नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणपत सोनी और स्वागत है आपका गणपत माइज यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज मेरे पास में ये Xiaomi का Mi 10i मोबाइल, आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और बताऊंगा इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो और मनु कुमार जी जैन इनके CEO बोलते हैं कि ये इंडिया के लिए बनाया गया और इंडिया में ही बनाया गया है। तो देखते हैं किस प्रकार का मोबाइल इंडिया के लिए बनाया है। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम गवाए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये है Mi 10i का बॉक्स जो कि ब्लैक कलर के साथ में आता है, जहां पर मेंशन किया गया है ऊपर 108 मेगापिक्सल कैमरा के बारे में और साथ में दिया गया है मेड इन इंडिया का लोगो। और गाइस नीचे दिया गया 5G है ये मोबाइल और Qualcomm Snapdragon 750G इसके अंदर प्रोसेसर दिया गया है। और गाइस इसके पीछे की तरफ मेंशन किया गया है 108 मेगापिक्सल का AI रियल कैमरा और साथ में मेंशन किया गया है Qualcomm Snapdragon 750G प्रोसेसर है जो कि 5G प्रोसेसर है। और गाइस इसके अंदर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी गई है और BL4820mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है। और फिर से नीचे दिया गया मेड इन इंडिया का लोगो। और गाइस ये मेरे पास में 6GB 128GB वाला वेरिएंट जिसकी प्राइस है 21,999 रुपये यानी कि 22,000 रुपये। और ये मेरे पास में है पैसिफिक सनराइज वाला कलर। तो इसको जल्दी से करते हैं हम अनबॉक्स, तो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है। तो जैसे ही करते हैं अनबॉक्स तो सबसे ऊपर हमें एक सेक्शन मिलता है जिसमें कुछ पेपर वर्क मिलता है और साथ में एक मैट फिनिशिंग TPU कवर मिलता है और एक बहुत ही ज़रूरी सिम इजेक्टर टूल मिलता है। तो इसी के नीचे रखा हुआ है हमारा ये मोबाइल जो कि पैसिफिक सनराइज कलर के साथ में आता है। इसे फिलहाल रखते हैं साइड में और देखते हैं अंदर और क्या क्या मिलता है। हमें मिलता है यहाँ पर 33 वॉट का फास्ट चार्जर जिसकी मदद से हम 4820mAh की फुल बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। इसी के साथ में हमें एक USB 2 टाइप सी डाटा केबल मिलती है। अब बात करते हैं इस मोबाइल के बारे में, तो इसको करते हैं हम स्टार्ट। तब तक बात करते हैं इसी के फिजिकल ओवरव्यू की। और उसके पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल सेम चाइना में लॉन्च किया गया था Redmi Note 9 Pro 5G के जैसा ही, या फिर मानो तो बट इंडिया में ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि इंडिया के लिए डिजाइन किए हुए ये मोबाइल है। बट एनीवेज बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक साइड की। तो यहाँ पर हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें सबसे पहले 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है जिसका एपरेचर है f1.8। उसके बाद में लगा है गाइस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जिसका एपरेचर है f2.2। उसके बाद में 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो कैमरा लगे हुए हैं। उसके नीचे लगा है Mi का लोगो और लिखा हुआ है 5G। अब गाइस सामने की बात करें तो यहाँ पर लगी है 6.67 इंच की IPS LCD डिस्प्ले जिसकी रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज की और यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। ऊपर की तरफ लगा हुआ है सेकेंडरी स्पीकर और बीच में लगा है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जिसका एपरेचर है f2.5। तो गाइस बात करते हैं सर राइट साइड के, तो यहाँ पर लगे हैं वॉल्यूम अप डाउन बटन और नीचे लगा है पावर बटन जिसमें लगा हुआ है साइड फिंगरप्रिंट सेंसर। गाइस लेफ्ट साइड में लगा हुआ है डेडिकेटेड सिम ट्रे और कुछ नहीं। और अगर बात करें इसके ऊपर की साइड की, तो यहाँ पर लगा हुआ है IR ब्लास्टर और सेकेंडरी माइक्रोफोन। नीचे की बात करें तो यहाँ पर लगा हुआ है स्पीकर ग्रिल, प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप सी पिन और 3.5mm ऑडियो जैक। ये हो गया इसका फिजिकल ओवरव्यू। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें लगा हुआ है Snapdragon 750G 5G AIE ऑक्टाकोर प्रोसेसर जो बेस है Android 10 के ऊपर जिसमें MIUI 12 OS लगा हुआ है। बात करें इसके कैमरा के बारे में, तो इसमें 4K HDR पेनोरोमा नाइट मैक्रो और भी कई प्रकार के फीचर मिलते हैं। मैं फिलहाल स्क्रीन पर कुछ सैंपल दे रहा हूँ, आप उन फोटो को देख सकते हो। गाइज इस मोबाइल में लगा हुआ है MIUI 12 है, तो आपको इस मोबाइल में एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, तो आपको इसकी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। अगर गाइज इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें, तो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है।
तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसी प्रकार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।